यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो है ये किस कलर का आता है? ये ब्राउन। ब्राउन कलर्ड। ये बड़े वाला बोल है? नहीं, ब्राउन कलर्ड कैपेसिटर। क्या है? ब्राउन कलर का कैपेसिटर होता है। जब इसकी हमने टेस्टिंग करनी होती है, टेस्टिंग ऑन बोर्ड क्या होता है, ऑन बोर्ड टेस्टिंग करनी होती है। ऑन बोर्ड टेस्टिंग के लिए क्या होता है, वो किस तरह से लगे होते हैं? वो हमें पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। उनके कनेक्शन पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। किस तरह से पैरेलल होते हैं कि ये एक ट्रैक लाइन पॉजिटिव जा रही होती है, ये नेगेटिव जा रही होती है, तो उनके दरमियान ये कैपेसिटर जो हैं ये लगे होते हैं पैरेलली। ठीक है, यानी उनकी एक साइड पॉजिटिव पे होती है और दूसरी साइड नेगेटिव पे होती है। ये हम मुख्तलिफ चार कैपेसिटर लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? क्या करेंगे? टेस्टिंग कैसे करेंगे? यानी क्या होता है, कैपेसिटर्स आर मोस्टली कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शंस। क्या होता है कि ज़्यादातर जो कैपेसिटर्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है। yes, ठीक है, मल्टीमीटर के ऊपर हमने सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे बीप मोड पे रखना है। डिजिटल मीटर है तो आप उसे बीप मोड पे रखें। yes. ठीक है, अगर आप एनालॉग है तो एनालॉग का आपने उसे X10 या X100 पे रख के उसकी वैल्यू चेक करनी है। yes. ठीक है, चेक करने पे क्या होगा, इसकी जो एक पॉजिटिव प्रोब है और एक नेगेटिव प्रोब है, और ये पॉजिटिव प्रोब को आपने एक सिरे से लगाया, ठीक है, और फिर नेगेटिव प्रोब को आपने दूसरे सिरे से लगा दिया इस तरह से, तो ये क्या हुआ, आपने नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ रखा और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रखा, तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन पे क्या आ रहा है? अब देखिए, हमारे पास ये पीसीबी है, इसके अंदर हमारा ये मल्टीमीटर आ गया। मल्टीमीटर को हम क्या करते हैं, X100 के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, X100 पे एडजस्ट हो गया। अब हम पीसीबी को टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसकी ग्राउंड के ऊपर किसको रखा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव को हम ग्राउंड रख लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कैपेसिटर का पता नहीं है कि इसकी ग्राउंड कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव, क्योंकि वो पीसीबी के अंदर लगा होता है और कैपेसिटर्स की कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। तो उसको किसी सिरे पे भी हम लगा सकते हैं, उल्ट करके भी लगा सकते हैं। तो हमने रेड प्रोब को कहाँ रखा, इसकी नेगेटिव के साथ रखा है। ठीक है, कहाँ रखा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ग्रोब पीसीबी पे हर जगह पे फैली होती है, तो आउटसाइड पे ये गोल्डन प्लेट, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका ये बॉडी भी नेगेटिव होगी, तो इसकी बॉडी भी नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ कहीं भी मोस्टली हम इसके ऊपर भी रख लें तो ये भी नेगेटिव है, जहाँ पे आपको इजीली पिकिंग होती है वहाँ पे रखें, और फिर इसके एक सिरे पे हम चेक करते हैं तो क्या दे रहा है, फुल कंटिन्यूटी दे रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रखना है, तो पॉजिटिव को हमने नेगेटिव यानी ग्राउंड रख लिया। ग्राउंड रखने के बाद फिर इसकी एक साइड पर चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, हल्की फुल्की भी नहीं हरकत कर रहा। दूसरी साइड पे चेक करते हैं तो क्या है, फुल दे रहा है। यानी ये क्या है कि ये साइड जो है इसकी, ये ग्राउंड के साथ अटैच है जो फुल दे रही है, और ये जो है पॉजिटिव के साथ अटैच है जिसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। वैल्यू रेसिस्टेंस उसकी इतनी ही ज़्यादा है कि वो मेजर ही नहीं हो रही, हमारा मीटर उसको मेजर नहीं कर रहा। इसकी कंफर्म करने के लिए क्या इस पर कंटिन्यूटी है या नहीं है, फर्स्ट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं तो एक साइड पे जब चेक कर रहे हैं तो इस कैपेसिटर की हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, और दूसरी साइड पे फुल कंटिन्यूटी दे रहा। ठीक है, दूसरी साइड पे फुल कंटिन्यूटी दे रहा, और जहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा, इसको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये ट्रैक लाइन जो इसकी पॉजिटिव आ रही है ये सही है कि नहीं सही है, पीछे से ब्रेक है कि नहीं, तो उसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने पॉजिटिव रखना था वहाँ पे नेगेटिव रख लेते हैं, और फिर इसको चेक करते हैं तो देखें वैल्यू यहाँ पे भी दे रहा है।
यानी अगर हम दोनों सिरों से चेक करें तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, बल्कि फुल दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे शॉर्ट कर रहा है, ये देखें शो कैसे हो रहा है हमें, जैसे कि फुल शॉर्ट है। तो ये ग्राउंड है, तो इस पर देखें हल्की सी रेसिस्टेंस क्रिएट हो रही है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। रिवर्स करने से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये पॉइंट चालू भी है कि नहीं चालू, ट्रैक लाइन ठीक भी है कि नहीं ठीक। यानी इसके चेकिंग का क्या मेथड होता है कि सबसे पहले हमने जो रेड प्रोब को हमने ग्राउंड से अटैच करना है, ठीक है, और ब्लैक प्रोब से हमने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। देखिए हम फिर किसी और कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, ग्राउंड ये रख लेते हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड पे कर लिया, नेगेटिव के साथ हमने टेस्टिंग की। ये हमारे पास कैपेसिटर एक लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं तो एक साइड पे हल्की सी मीटर जो है वो देता है, मीटर की तरफ भी ध्यान होना चाहिए ना। क्या है कि एक साइड पे हमें क्या कर रहा, कौन सा कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर है, तो एक साइड पे हल्की सी देखें क्या होता है, हल्की सी मूवमेंट होती है कि नहीं होती, होती है। तो क्या है कि एक साइड सही है, दूसरे साइड से चेक करते हैं तो वो क्या है, ग्राउंड है। तो इस कंडीशन में ये क्या ख़राब है, सही है, ये सही है। यानी जब कैपेसिटर एक साइड पे फुल कंटिन्यूटी है, हमें पता है कि वो एक साइड ग्राउंड से होता है तो फुल ही देगा, ठीक है, और दूसरी साइड उसकी पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव की जितनी वैल्यू आ रही होगी उस ट्रैक लाइन पे उतनी हमें शो करेगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव उसकी दूसरे सिरे पे लगा कर देखते हैं तो उसकी हल्की सी आती है, अगर नहीं भी आती तो हम उसको रिवर्स करके चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव चालू भी है कि नहीं चालू। यहाँ पर क्या मिला हमें, कुछ भी नहीं, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू पर कुछ भी, बिल्कुल हल्की सी रेसिस्टेंस पॉजिटिव पे भी आ रही है, ठीक है, हल्की सी मूवमेंट करता है। तो इसका क्या मतलब है, ये सही है। यानी इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा कि जब हम टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो क्या होगा, वन साइड ग्राउंड यही होता है और सेकंड साइड वैल्यू देगा, ठीक है, या नो वैल्यू आएगा। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या माना जाएगा, कैपेसिटर जो है वो ओके है, क्या है, कैपेसिटर्स ओके है। अच्छा, तो ख़राब कैसे होता है, ठीक है, वो कैसे होगा, वो बोथ साइड, क्या होगा, बोथ साइड्स आर फुली शॉर्टेड, फुल कंटिन्यूटी देंगे दोनों साइड, दोनों साइडें फुली शॉर्ट होंगी, दोनों साइडें ग्राउंड पे चली आएंगी, तो फिर उसे क्या माना जाएगा कि वो शॉर्ट है, फॉल्टी है। इसकी समझ आ गई? अब यहाँ पे जब हम इसको चेक करते हैं, मैं कहता हूँ एक प्रोब मैंने इस कैपेसिटर पे रख ली और दूसरी प्रोब यहाँ पे रख ली, ठीक है, यहाँ पे मल्टीमीटर क्या कर रहा है, फुल कंटिन्यूटी दे रहा है, क्या कर रहा है, फुल दोनों साइडों पे हमने उसी ट्रैक पे कर लिया, ठीक है, फुल कंटिन्यूटी दे रहा है। फिर हमने इसको चेक किया तो ये भी फुल कंटिन्यूटी दे रहा है, इसको भी चेक किया ये भी फुल कंटिन्यूटी दे रहा है, इसको भी चेक किया ये भी फुल कंटिन्यूटी दे रहा है। क्या हो रहा है कि जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं एक ही ट्रैक लाइन में, वो सारे फुल कंटिन्यूटी दे रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, फुल कंटिन्यूटी दे रहे हो तो वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये तुम पकड़ लो, ये तो हिलाता ही रहता है, फोकस करो इसके ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या है, ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट है, हैं, यस, आप बताएं, कंटिन्यूटी दे रही है तो शॉर्ट है, ये सारे जहां यहां पे चेक करूं फिर भी फुल दे रहा है, मैं यहां पे चेक करूं फिर भी फुल, यहां पे चेक करूं, यानी जहां पे भी चेक करता हूं ये फुल कंटिन्यूटी दे रहा होता है। तो ये जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सारे ख़राब है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें से कोई एक कैपेसिटर, मैं आपको खुद कह देता हूँ कि यार ये शॉर्ट हो गया हुआ है, एक शॉर्ट हो गया हुआ है, दूसरे सारे सही हैं, मुझे पता है, ठीक है, ये मैं ख़राब ही लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ
तो क्या ये मुझे फुल कंप्लीटली देगा? बाकी सारे ठीक है, ये सारे ठीक है, सिर्फ ये ख़राब है, तो ये क्या करेगा? ओके देगा हमें? यानी यहाँ पे जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रखेंगे इसकी ट्रैक लाइन पे और नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव सिरे को चेक करेंगे, तो क्या यहाँ पे फुल कंटिटी देगा कि नहीं देगा? ये सही है जी। क्या करेगा? देगा, फुल कंटिटी देगा दोनों तरफ से। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड के साथ रख रहा हूँ और नेगेटिव के साथ उसकी पॉजिटिव सिरे को चेक कर रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं, ये ट्रैक लाइन में लगे हुए हैं, सीरीज़ में अपना पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है सर्किट सारा, ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फुल कंटिटी दे रहा है, तो क्या ये ख़राब है या सही है? फुल कंटिटी दे रहा है दोनों तरफ से, फुल दे तो ख़राब, दोनों तरफ से देगा तो ख़राब। ये क्या लिखा हुआ? दोनों तरफ से देगा तो सही क्यों कह रहे हैं आप? फिर क्या समझ रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? अगर सीखना तो फोकस करो इसके ऊपर भाई, इस तरह से काम नहीं होगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं एक जगह से कान सुना और दूसरी तरफ से निकाल दिया, नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको टाइम दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझें इसको। क्या होता है, ये ट्रैक लाइन पीसीबी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बनी हुई है, ये सारे कंपोनेंट पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक ही ट्रैक लाइन में कनेक्टेड हैं, तो इनमें से ही एक ख़राब हो गया हुआ, ठीक है, तो जब मैं किसी सही को चेक कर रहा हूँ तो ये सही देगा या खराब देगा? खराब देगा, क्योंकि उसकी लाइन वाला खराब है ना, क्योंकि उसी ट्रैक लाइन में ये कंपोनेंट खराब है। इसने क्या कर दिया हुआ है कि जो पॉजिटिव ट्रैक लाइन आ रही थी उसको नेगेटिव के साथ मिला दिया हुआ है, तो ये भी फिर नेगेटिव के साथ मिल गई, ये भी नेगेटिव के साथ मिल गई, ये भी नेगेटिव के साथ मिल गई, क्योंकि यहाँ से जोड़ आपस में मिल गया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास दो लाइनें हैं तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, तो क्या यहाँ से शार्ट नहीं होगा? यहाँ से शार्ट नहीं होगा, ये शार्ट नहीं होगा, होगा, कंपोनेंट कोई लगा ही नहीं हुआ, कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, सिर्फ मैंने दरमियान में से ये एक शार्टेज कर दिया, तो क्या ये दोनों आपस में मिली नहीं है? तो जब ये कंपोनेंट ख़राब हो गया तो इसने आपस में जोड़ दिया, तो ये सारी दोनों लाइनें आपस में जुड़ ना गई? जुड़ गई हैं, तो फिर हमें पता नहीं है, अब ये कंडीशन है, मुझे पता नहीं है कि इनमें से या तो ये चारों ख़राब है या कोई एक ख़राब है या दो ख़राब है, मुझे नहीं पता कौन सा ख़राब है, तो उसको कैसे चेक करेंगे कौन सा ख़राब है? हमें पता है कि ये ट्रैक लाइन आ रही है, ये ग्राउंड के साथ अटैच है, ये पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, तो ये पूरा पॉजिटिव लाइन ग्राउंड के साथ मिल गया हुआ है। तो जो मैं चेक करता हूँ ग्राउंड पे रख के, ये मेरे पास ग्राउंड लगा लें, ठीक है, ग्राउंड पे पॉजिटिव को रखता हूँ और नेगेटिव के साथ मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे चेक किया तो ये फुल कंटिन्यूटी दे रहा है, यहाँ पे भी चेक किया फुल कंटिन्यूटी, यहाँ पे भी चेक किया, ये तो सारी नेगेटिव लाइन हो गई, ठीक है, ग्राउंड के साथ अटैच है। तो जब मैंने दूसरे साइड पे चेक किया तो क्या कर रहा है, फुल दे रहा है, ये भी फुल दे रहा है, यहाँ पे चेक किया ये भी फुल दे रहा है, यहाँ पे चेक किया ये भी फुल दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इस ट्रैक लाइन में कोई जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनमें से कोई ना कोई ख़राब है, चाहे एक ख़राब है, चाहे दो ख़राब है, चाहे चारों ख़राब है, तो इसको हमने देखने के लिए कि कौन सा कैपेसिटर ख़राब है क्या करेंगे? पहले एक उतारेंगे, पहले हम एक को उतार के देख लेंगे, हमने क्या करना है, इसको निकालना है बाहर, बाहर निकाल के ये आप बाहर ले आए, ठीक है, बाहर निकाल के रख दिया, अब फिर आपने इस कैपेसिटर को आपने क्या करना है, मीटर से फिर चेक करना है, अगर यहाँ पे फुल क्वांटिटी दे रहा है तो फिर देख रहा है, इस तरफ भी एक तरफ देगा, दोनों तरफ देगा, ठीक है, कैपेसिटर का यही है, तो ये अगर फुल क्वांटिटी देगा तो फिर क्या होगा? यार वो बाहर पड़ा हुआ पीसीबी से। हाँ, तो बार बार एक सवाल को पूछने की ज़रूरत ही क्या है, जब बोल रहा हूँ फुल क्वांटिटी दे रहा तो क्या है, ख़राब है सही है? ख़राब है, फुल क्वांटिटी दे रहा है, ख़राब है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर उतार के चेक कर लिया हमने, बाहर निकाल के देख लिया तो ख़राब है, ठीक है, फुल क्वांटिटी दे रहा है, तो हमने जब फिर ट्रैक लाइन को चेक किया, एक ग्राउंड पे रखा और फिर इस ट्रैक लाइन को चेक किया तो ये भी ग्राउंड दे रही थी, इसको उतारने के बावजूद वो दे रही है, हालांकि ये ख़राब है, ठीक है, फुल क्वांटिटी दे रहा है, तो उतारा तो फिर ये भी फुल क्वांटिटी यहाँ पे भी दे रही है, यहाँ पे भी दे रही है, यहाँ पे दे रही है, यहाँ पे भी दे रही है, फिर क्या करेंगे? दूसरा भी उतारेंगे, उसके आगे वाला जो है वो भी उतार देंगे, ये भी मैंने उतार दिया, उतार के इसको बाहर रखा, ठीक है, इसको बाहर रख के मैंने चेक किया दूसरे कैपेसिटर को, तो ये क्या था, कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, क्या था?
कंटिन्यूटी नहीं आ रही, दोनों तरफ को चेक किया कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, तो ये ख़राब है सही है? सही है, हम इसको वापस लगा लेते हैं। ठीक है, क्या करना है जो सही है वो वापस लगा लेने, तो फिलहाल साइड पे रहने दे, बाद में पहले इसकी शॉर्टेज क्लियर कर लेते हैं फिर देखते हैं। फिर हमने चेक किया तो ये सही था, तो उतारने से भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे वाला हमने उतार लिया, क्या करना है आगे वाला उतार, फिर आगे वाला उतारा तो ये भी बाहर रख लिया। अब इसको चेक किया तो ये क्या था, ये फुल क्वांटिटी दे रहा था, क्या कर रहा था, तो ये सही है या ख़राब है? ख़राब है। तो जब मैंने फिर यहाँ से ये ट्रैक लाइन को चेक किया तो ट्रैक लाइन ओके हो गई, ट्रैक लाइन की जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू दे रहा था। फिर क्या कर रहा है, वो वैल्यू दे रहा है जो ट्रैक लाइन की आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैपेसिटर जो था ये ख़राब था। ठीक है, फिर जो सही थे उनको आपने वापस लगा देना है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, दूसरे कैपेसिटर्स भी काम कर रहे हैं, फिल्टराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फिल्टराइजेशन में कमी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा जिस ज़रूरत से लगाए हुए हैं उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो आपके मोबाइल की जो लाइफ है, जो आगे कंपोनेंट चल रहा है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। लगाना ज़रूरी होता नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो बड़े कैपेसिटर्स हैं उनको लगाना ज़रूरी होता है। तो बेहतर तो यही है कि जौन सा कैपेसिटर आपने उतारा है उसी साइज़ का आप वहाँ पर लगाएँ, उसी वैल्यू का, अगर नहीं मिलता तो आप रहने दें। ठीक है, और वो अगर बड़ा है तो बड़े को छोड़ना नहीं है, उसको लगाना ही लगाना है। किसी डेड पीसीबी में से ले लें, उस पर से लेके वहाँ पे लगा दें आपको। तो क्या होता है लगाने में, कुछ भी नहीं है, उतारा और नया लगा दिया दूसरे से उतार के। ये ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड टेस्टिंग पता चल गया, ये हमारी ऑफ बोर्ड टेस्टिंग हो गई। ठीक है, ऑफ बोर्ड में जब क्या कर रहे हैं कि जब कनेक्ट कंटिन्यूटी देगा खराब है, नहीं देगा तो सही, फिर है। सही है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। इसी तरह ये ट्रैक लाइंस में आप कहते हैं ना, थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन ये हो जाती है, क्या कन्फ्यूजन हो जाती है कि बहुत बार ऐसे होता है कि आपका ये कंपोनेंट है, फर्स्ट तो कौन सी टिप्स हैं ये स्पीकर की लगा लें। ठीक है, इसकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी ये ट्रैक लाइन आ रही है, इस तरह से ट्रैक लाइन गुजरती, ये नेगेटिव अलहदा सर्किट जा रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लग जाता है, इसकी एक साइड जो है वो ग्राउंड हो जाती है, इसकी दूसरी साइड पे भी एक कैपेसिटर आ जाता है, इसकी एक साइड भी ये ग्राउंड हो जाती है। फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स, यहाँ रेजिस्टेंस से आगे जाके फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर्स, फिर यहाँ पे देखें तो इस तरफ को एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, फिर आगे इस कनेक्शन जाता है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आगे आप चले जाते हैं तो इसके दरमियान में एक फिल्टराइजेशन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव को कैपेसिटर लगा होता है, इससे आगे आ जाए तो फिर एक रेसिस्टेंस ही लगी होगी, इसकी दूसरी तरफ को आ जाए तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस लगी होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे कनेक्शंस, यहाँ पे समझ लें कि ये ऑडियो ऐसी है, इसके अंदर ये कनेक्शन जा रहा है, इससे पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये कनेक्शन जा रहे हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ग्राउंड के साथ अटैच है। तो ये इस तरह से कुछ पीसीबी के ऊपर समझे सर्किट बना हुआ है, ये पॉइंट।